हेलो बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया के एक और प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे और इस क्रियाकलाप के लिए ये देखिए, ये है मेरे पास खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम जानते हैं ना आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही। इसको मैं इस परख नली में लेकर गर्म करूँगी। चलिए करते हैं, हम ये थोड़ा सा खाने का सोडा ले लेते हैं और इस परख नली में डाल देते हैं। और क्योंकि अब इसको हमको गर्म करना है, होल्डर की सहायता से इसे अच्छी तरह से फंसा लीजिए और इसको अभी हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि गर्म करने के लिए हमें स्पिरिट लैम्प को जलाना होगा। देखिए, और इसे गर्म करें। आइए थोड़ी देर इसको गर्म कर लें। अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाए, अब हम एक काम करते हैं, ये जो माचिस की तीली हमारे पास है, इसको जलाकर हम इसको परख नली के मुख पर लाते हैं। देखिए, ये तो बुझ गई। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया, तो वह तीन उत्पादों में अपघटित हो गया, सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम जलती हुई माचिस तीली को परख नली के मुँह के पास लेकर आए, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, उसने उसे बुझा दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो जलने में सहायक नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ एक अभिकारक तीन उत्पादों में अपघटित हुआ। ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो ऊष्मा के कारण संपन्न वियोजन अभिक्रियाएं हैं, वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।